नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में हमेशा की तरह कुछ अनसुने 10 फैक्ट्स होंगे जो कि मजेदार होंगे। वीडियो देख करके आपको अंत में जरूर मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूरी करना। जो भी चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो ध्यानचंद जी हैं इनके बारे में ऐसे कोई व्यक्ति जिसने नहीं सुना होगा। दरअसल जो इनका नाम है वो ध्यानचंद असली नाम नहीं है, जो इनका असली नाम है वो है ध्यान सिंह। अब बात करते हैं इनका जो ध्यानचंद नाम है ये कैसे पड़ा। दरअसल ये ध्यानचंद जो हैं ये रात को जो चांद निकलता था उसके उजाले में रात को प्रैक्टिस करते थे। चांदनी रात बोलते हैं इसको, उसमें रात को प्रैक्टिस करते थे। तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने इसी वजह से इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया, चांद को इनके साथ में जोड़ दिया, तब से इनका नाम ध्यानचंद हो गया। दोस्तों अगर पेड़ों की बात करें तो देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनको आज लगाओगे 50 साल 100 साल 200 साल तक वो बढ़ते रहेंगे और उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो बांस का पेड़ है ये बहुत ही तेज बढ़ता है। इसके बारे में आपको बता दूं, ये लगभग 24 घंटे में 3 फीट तक बढ़ जाता है। तो उसकी बढ़ने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। गाइस, अगर आपकी आँख पर पट्टी बांध दी जाए और आपसे बोला जाए कि आपको सीधा चलना है तो आप नहीं चल सकते। कभी आप इसको ट्राई करके देखना, अगर आपके आंखों पट्टी बांध देते हैं आप सीधे बिल्कुल नहीं चल सकते, आप जरूर तिरछे में से चलेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब आंख पर पट्टी बांध जाती है, उनको चलने के लिए बोला जाता है, तो वो एक सर्कल में घूमते हैं। वो सर्कल छोटा हो या बड़ा हो ऐसे घूमते रहेंगे, चाहे बड़े सर्कल को लेकर चलें चाहे छोटा सर्कल लेकर चलें, लेकिन वो सीधे नहीं चल सकते, हमेशा सर्कल में ही घूमते हैं। कभी ट्राई करके देखना। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसकी जो सतह है इससे लगभग 32 किलोमीटर ऊपर का जो वहाँ का जो वायुमंडल है, जो वहाँ का जो क्षेत्र है उसका एक हिस्सा ऐसा है कि उसका जो वहाँ का जो वायुमंडल है वो हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है उससे मैच करता है। 32 किलोमीटर ऊपर थोड़ा सा कुछ वो हिस्सा है, तो उसका वातावरण और हमारे जो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर वो सेम है तो हो सकता है कि वहाँ पर जीवन भी हो। तो देखिए, अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उड़ने वाला कोई शहर बना दिया जाए या उड़ने वाली कोई सिटी ऐसी हो जो वहाँ पे जा करके 32 किलोमीटर हवा में हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो कुछ बहुत सालों बाद हो सकता है कि वहाँ पे उस एरिया में आपको पृथ्वी के कुछ लोग देखने को मिल जाएं। गाइस, टाइटैनिक जो मूवी है वो सबने देखी है, उसमें एक जहाज़ के डूबने की कहानी थी जो कि बर्फ़ से टकरा गया था। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि जब जहाज़ जो बर्फ़ से टकराया था तो उसको डूबने में कितना टाइम लगा था। मैं आपको बता देता हूँ, जो टाइटैनिक जहाज है उसको टकराने के बाद में लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का समय लगा था उसको पूरा डूबने के लिए। दोस्तों देखिए, सब बोलते हैं कि भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, जो रियल स्टोरी है। ये 2005 की बात है, तुर्की में एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उस पर बहुत सारी भेड़ जो है वो घास चल रही थी। तो एक भेड़ उस पहाड़ से नीचे कूद गई। अब वो गलती से गिरी या जैसे जो भी बात है वो नीचे कूद गई, तो उसके साथ में दूसरी भेड़ भी कूद गई, उसको देख करके तीसरी भेड़ भी कूद गई। लगभग 1500 भेड़ जो है वो एक साथ उसके पीछे पहाड़ से सब नीचे कूद गई। जो शुरू में 400-450 जो भेड़ें गिरी थी वो तो मर गई, लेकिन जो ऊपर से जो ज़्यादा भेड़ गिरती जा रही थी वो उनके ऊपर गिरने से बच गई। तो देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भेड़ फेमस होती हैं कि जहाँ सबसे आगे वाला जाएगा उसके पीछे सारे जाएंगे, चाहे गड्ढा हो चाहे खाई हो चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा सोच समझ कर चलना चाहिए। गाइस देखिए, आप सभी को पता है जो रोलेक्स है, ये एक जो हमारी जो घड़ी होती है हाथ की, उसकी कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। तो दरअसल जो इस कंपनी से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 90% जो है वो उस कंपनी के जो मालिक हैं वो डोनेट कर देते हैं। वैसे क्यों करते हैं, जो 90% है बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसे क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे जो कारण ये है कि जो रोलेक्स के जो मालिक हैं ये अनाथ थे। तो जब ये अनाथ रहे हैं तो इन्होंने बचपन में बहुत ही कष्ट झेले होंगे, तो जो और अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो अपना प्रॉफिट का जो 90% हिस्सा है उसको डोनेट कर देते हैं। वैसे देखिए, कुछ लोगों को पक्षियाँ पालने का शौक होता है, कुछ लोगों को तोते पालने, कुछ लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है। लेकिन इस दुनिया का जो सबसे महंगा जो पक्षी जो बिका था, जो कबूतर है, उसका नाम है न्यू किम, वो 14 करोड़ और 15 लाख रुपए में बिका था। जो चीन के एक शख्स हैं उन्होंने उसको 14 करोड़ 15 लाख रुपए में उस कबूतर को खरीदा था। देखिए, इतने रुपए में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन
वही बात है कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, और जो भी चैनल पहली बार नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना।